दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही छोटे कंपनी के बारे में। ठीक है, कंपनी का नाम है देख सकते हैं आप, गुजरात कंटेनर्स लिमिटेड। तो नाम पे ही लिखा है कंटेनर्स, तो समझ ही सकते हैं कौन से कंपनी हो सकता है। ठीक है, तो कंटेनर बनवाती है ऐसे कंपनी है, लेकिन मार्केट कैप आप देख सकते हैं सिर्फ 90 करोड़ का मार्केट कैप, यानी बहुत ही छोटा मार्केट कैप देखने को मिलेगा। ठीक है, हाई रिस्क की आप मान सकते हैं इस कंपनी को। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर आज तक 2012 में कंपनी लिस्टिंग हुआ था, 2012 से इतना 1000% तक रिटर्न दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं एक ही दायरे में चलता हुआ नजर आ रहा था बहुत ही दिनों से। ठीक है, तो उसके बाद 2020 से बहुत ही अच्छा रैली देखने को मिला है कंपनी के अंदर, और उसके बाद अभी के टाइम जैसे मार्केट में प्रेशर चल रहा है, इसकी वजह से मार्केट में मतलब इस कंपनी के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा मतलब गिरावट हो चुका है ऑलरेडी। तो देख सकते हैं आप एक साल के अंदर लगभग 60% के आसपास रिटर्न बनाकर दिया है, लेकिन अपने टॉप लेवल से अभी भी लगभग 40 से 42% के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है अभी के टाइम भी। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया था। अगर आप 5 साल की बात करेंगे तो देख सकते हैं 5 साल में भी 1000% का ही रिटर्न बनाकर दिया है। ठीक है, तो इस कंपनी का खास बात क्या है? तो इस कंपनी का खास बात यह है कि बहुत ही मतलब कंपनी का फंडामेंटल है ना, बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, छोटा कंपनी हो सकता है, पेनी स्टॉक नहीं है, पहले ये समझ लो। ठीक है, तो पेनी स्टॉक नहीं है, बहुत ही छोटा कंपनी है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल है बहुत ही स्ट्रांग नजर आता है। तो इस वजह से मैंने इस कंपनी के बारे में आपको बताने के बारे में सोचा हूँ। तो चलिए एक एक करके हम इसका मतलब पैराग्राफ देख लेते हैं। तो फंडामेंटल देखने से पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी काम क्या करती है। इस तरह का जो बैरल होता है, तो बैरल बनवाती है, इस तरह का जो बैरल होता है, ये बैरल काम कहाँ पे आता है? तो आपको पता ही होगा कि जो क्रूड ऑयल होता है ना, हमारे इंडिया में जो इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल, तो बाहर के देशों से आता है, तो इन जैसे डब्बा के अंदर ही मतलब पैकिंग करके उसके बाद भेज दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे डब्बा इस तरह के मिलते रहते हैं, तो इस तरह के डब्बे का काम ही कंपनी करवाती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बनवाती है। ठीक है, तो इसके बाद फंडामेंटल के ऊपर हम जंप कर लेते हैं सीधा। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मार्केट कैप बहुत ही छोटा, 90 करोड़, जैसे मैंने कहा है कंपनी का मार्केट कैप 90 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इंडस्ट्री पी देख सकते हैं 15 का इंडस्ट्री पी चल रही है, लेकिन उसके हिसाब से इस कंपनी का पी सिर्फ 8 का देखने को मिलेगा। ठीक है, आरओसी की बात करें तो 30 से 31% का देखने को मिलेगा, और आरओई की बात करें तो 38%। बहुत ही शानदार होता है ये दोनों, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहा है। ठीक है, तो डिविडेंड देता नहीं है कोई, डिविडेंड नहीं है, तो फेस वैल्यू देख सकते हैं 10 का देखने को मिलेगा, यानी भविष्य में हो सकता है कंपनी स्प्लिट का अनाउंस भी कर दे। तो डेट देख सकते हैं कंपनी की साइज के हिसाब से डेट है लगभग 20 करोड़, तो उनमें से डेट टू इक्विटी बन गया है 0.59%। बोले तो डिसेंट है, ज़्यादा नहीं है, तो डेट की वजह से कंपनी का जो फेलियर है चांसेस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं एक साल में अभी डाउन चल रहा है, जैसे सेल्स में भी 10% का सेल्स ग्रोथ मतलब माइनस में चल रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 22% का प्रॉफिट ग्रोथ है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप, 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और कैश फ्लो कुछ भी नहीं है अभी के टाइम, थोड़ा सा माइनस है। ठीक है, तो रिजर्व्स देख सकते हैं बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, लेकिन 29 से 30 करोड़ का रिजर्व्स मेंटेन कर रही है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कंपनी के पास कैश कितना है, सिर्फ 1 लाख रुपए। बोले तो सिर्फ 1 लाख रुपए, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा रिस्की पैटर्न हो सकता है ये सब। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग 60% है, उनमें से प्लेजिंग है 0, ये भी अच्छी बात होती है, छोटा कंपनी है तो इस टाइप का जो पैराग्राफ है आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 साल की बात करें 18%, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 60 से 65% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है 5 साल के अंदर। करेंट रेशियो भी ठीक ठाक है, 1.5 के आसपास देखने को मिलेगा, और आरओई लास्ट 5 साल की बात करें तो 19%, और आरओसी की बात करें 5 साल की तो 22% के आसपास चल रही है। पे ग्रोसो ठीक है, छोटा कंपनी है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो 0.12% के आसपास पे ग्रोसो है। और इसके बाद मेन पॉइंट पे आ जाते हैं सीधा बैलेंस शीट के अंदर, आप देख सकते हैं पीएनएल। तो पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस 2012 से देख लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ करता था 3 करोड़। अब देख सकते हैं दोस्तों 2019 तक मतलब 2012 से 2019 तक एक ही दायरे में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बोलो, दोनों ही सेम दायरे में चलता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, उसके बाद 2020 से ही कमबैक करके अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है अभी के टाइम, देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के भी अंदर भी आपको देखने को मिला है 1 करोड़ कर करके। तो 2020 में भी 1 करोड़, उसके बाद 2021 में 3 करोड़, उसके बाद 9 करोड़, और अभी के टाइम देन 11 करोड़ तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है, 13% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, छोटा कंपनी है, तो देख सकते हैं मार्च 2022 से मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट सीधे देख लेते तो 2.66 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि अभी के टाइम समथिंग गिरावट होकर 2.41 करोड़ तक देखने को मिल रही है। समथिंग गिरावट है, ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 1.99 करोड़ से सीधा 2.41 करोड़ तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसके बाद बैलेंस शीट के अंदर भी देख सकते हैं रिजर्व्स 1 करोड़ का रिजर्व्स हुआ करता था जो 2012 में। ठीक है, 1 करोड़ का रिजर्व्स कितना हो गया अभी के टाइम, लगभग 29 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला है रिजर्व्स के अंदर, और जैसे मैंने बोर्डिंग भी कहा है देख सकते हैं आप 21 करोड़ के आसपास बोर्डिंग मौजूद है। तो इसके बाद कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी देख लीजिए, 10 साल का हिस्ट्री भी मौजूद है आपके सामने, तो 10 साल में 10%, 5 साल में 18%, 3 साल में 21%, और 1 साल में थोड़ा माइनस अभी के टाइम चल रही है। और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी सही है, देख सकते हैं 10 साल में 27%, 5 साल में 66%, और 3 साल में 160% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है।
CAGR भी डिसेंट है, अच्छा CAGR प्रोवाइड कर रही है। 5 साल में 63%, 3 साल में 160% और 1 साल में 55% का CAGR प्रोवाइड किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं डिसेंट है, 10 साल में 22%, 5 साल में 29 से 30% और 3 साल के अंदर 37%, 1 साल में 38% का रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड किया है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, छोटा कंपनी है फिर भी कंसिस्टेंट है, ठीक है आप कह सकते हैं कंसिस्टेंट दिखा रही है रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर और सेल्स के अंदर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। तो इसके बाद सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, प्रोमोटर के पास कितना है अभी के टाइम, लगभग 60% के आसपास प्रोमोटर के पास है और पब्लिक के पास लगभग 40% तक है। तो थोड़ा सा पीछे चल के देख लेते हैं, तो 2017 में देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग कितना हुआ करता था, 47%। उसके बाद देख सकते हैं समथिंग इंक्रीज किया था प्रोमोटर ने अपना स्टेक को, उसके बाद फिर भी 48%, उसके बाद फिर 53%, उसके बाद देन 58% और अभी के टाइम लगभग 60% के आसपास पहुंच चुका है प्रोमोटर होल्डिंग। तो पब्लिक और प्रोमोटर ही इस कंपनी में मौजूद है, बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई है नहीं। तो पब्लिक से ही माल खींचा जा रहा है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं लगातार 2017 से ही कोई भी प्रोमोटर का शेयर प्लेसिंग नहीं है, बहुत ही अच्छी बात होती है ये सब, ठीक है आपको ज़रूर इस कंपनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो कैसा लगा नया कंपनी के बारे में जानकर, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बता दीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।